परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है। देखिए श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है या वोट बैंक की राजनीति, जनता में रहे, जनता की सेवा की, उसी का परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो उसके बाद भी जनता जिता रही हो, लोगों के यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना, ये केवल मुस्लिम खुशिका की राजनीति है। सब सब खोलेंगे, सब सब राज खुलेंगे, तह बतह खुलेंगे, कुछ आज खुल जाएंगे, कुछ कल खुल जाएंगे, कुछ परसों खुल जाएंगे। 7 अप्रैल की तारीख रविवार का दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे। 28 मार्च को मुख्तार की मौत के बाद ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्तार के घर गए हैं। जब यूपी में अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब मुख्तार अंसारी पर मनमानी के खूब आरोप लगे। आरोप मुलायम सरकार पर भी लगे कि वो मुख्तार अंसारी को ढील देती है। जब से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई थी तब से सबके जहन में ये सवाल था कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे। इन बातों से इर्द गिर्द खूब राजनीति भी शुरू हुई। मौत की खबर पर प्रतिक्रिया तो अखिलेश यादव ने दे दी थी मगर मिलने नहीं गए थे। अब मिल भी आए हैं। उनकी मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं जिनमें यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के रिएक्शन भी शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने भी अखिलेश से मुलाकात के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये सारी प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे मगर मुख्तार के परिवार से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और सरकार पर क्या आरोप लगाए, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूँ और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिल करके जा रहा हूँ, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। इस परिवार का योगदान बहुत बड़ा है। इनके जो हमारे साथ दोनों साथी खड़े हैं मनु अंसारी उमर, इनके परदादा क्या स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता की आज़ादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। एक तरफ लोगों का कहना है कि मुख्तार गुंडा था, माफिया था, अपराधी था, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान था। अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इस परिवार के योगदान को दबाना चाहती है। इसके बाद जब वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि मुख्तार को सरकार तो माफिया कह रही है, लोगों के बीच भी मुख्तार की छवि गुंडों वाली ही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार कि कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार और ख़ासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं, क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देके नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या?
क्राइम की दुनिया के अलावा मुख्तार अंसारी की एक पहचान और रही है एक विधायक के रूप में। मुख्तार अपनी जिंदगी में 5 दफ़ा विधायक रहा, इसमें 2 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनकर आया, 1 बार खुद की पार्टी कौमी एकता दल से और 2 बार निर्दलीय उसने विधायकी का चुनाव जीता था। इस हिसाब से अक्टूबर 1996 से लेकर मार्च 2017 तक मुख्तार अंसारी लगातार उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से विधायक रहा। अखिलेश यादव ने तर्क दिया कि चुनाव वही जीतता है जिसको पब्लिक वोट देती है। इस तर्क के साथ उन्होंने मुख्तार के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। जनता में रहे, जनता की सेवा की, उसी का परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो उसके बाद भी जनता जिता रही हो तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रह करके उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं वो सोशल मीडिया का जमाना है, आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझते हैं। अखिलेश यादव जब मुख्तार के घर पहुंचे तो मुख्तार की पत्नी और बेटा अब्बास दोनों घर पर नहीं थे। मुख्तार का बेटा अब्बास हथियारों के लाइसेंस से जुड़े एक मामले में इस वक्त जेल में है, इसलिए घर पर अखिलेश यादव की मुलाकात मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे उमर अंसारी से हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भी आए थे और बहुत हिम्मत बढ़ाया, हमारी साहस बढ़ाया। अब्बास भैया नहीं थे, मेरी माता जी नहीं है, मैं अकेला था, दोनों बाबा, परिवार पूरा एक साथ है लेकिन माता जी की कमी और भाई की कमी कहीं ना कहीं थी। भैया ने आके बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दिया है और यकीनन उसका प्रभाव हम लोगों के सीनों पर पड़ा है। और जितने भी, क्योंकि मैं अकेला सिर्फ उनका पुत्र हूँ, ये तो मुझसे रिश्ता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो मेरे पिता जनाब मुख्तार अंसारी साहब को अपना रहनुमा समझते थे, मसीहा समझते थे, जो गरीब थे, उनका भी हौसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाया है और उनको भी हिम्मत और साहस देने का काम किया है। और हम इसका प्रभाव हम सबके सीनों पर, हम सबके दिल पर पड़ा है। यहाँ आपको एक और बात बता दें, मुख्तार की मौत तब हुई जब वो जेल में सजा काट रहा था। उसके आखिरी दिनों में उसके भाई और बसपा के सांसद अफजाल अंसारी ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा था कि मुख्तार के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया है। उस वक्त बसपा सांसद अफजाल ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मुख्तार ने मुझे बताया कि करीब 40 दिन पहले भी उसे जहर दिया गया था और अभी हाल में शायद 19 या 22 मार्च को फिर से दिया गया है, जिसके बाद से उसकी हालत ख़राब है। इस मामले पर मुख्तार के बेटे उमर ने कहा था कि सब राज खुलेंगे। अरे सब राज खुलेंगे, तहबता खुलेंगे, कुछ आज खुल जाएंगे, कुछ कल खुल जाएंगे, कुछ परसों खुल जाएंगे। और अफजाल बाबा ने कहा भी है ना कि जो पॉइजन से किसी की अगर मौत हुई हो, 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी उनका डीएनए और सब कुछ बता देगा कि क्या हकीकत थी। आज लोग छुप लें पर्दे के पीछे, लेकिन कानूनी रास्ते से हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय न्यायपालिकाओं पर यकीन है और हमें ये भी यकीन है कि आज नहीं कल सच खुलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की इस मुलाकात को वोट बैंक पॉलिटिक्स बताया है। देखिए श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टिकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट बैंक वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव की इस मुलाकात पर क्या टिप्पणी की वो भी सुनिए। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का,
आप याद करो मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं, कितने लोगों के सुदूर उजाड़े हैं, कितने विधवाएं बिचारी आज भी भगवान से प्रार्थना करती थी उनके लिए न्याय मिला है। तब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों के यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टिका की राजनीति है और ऐसे लोगों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कभी साथ देने की बात नहीं करती, मूल्य माफी है। यूपी की पॉलिटिक्स में एक लंबा वक्त रहा है जब क्रिमिनल और नेता दोनों ही एक दूसरे के साथ गहरे कनेक्शन में रहे हैं। फिर ऐसा दौर आया कि क्रिमिनल ही नेता बनने लगे। ऐसे ही दौर में कई विवादित नाम बड़ी पॉलिटिकल ताकत के रूप में उभर कर सामने आए। ऐसे ही नामों में माफिया मुख्तार अंसारी का नाम भी शुमार है, लेकिन हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है और इसी तरह यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भी अपना नज़रिया है। वो मुख्तार के जीवन काल में अलग चीज़ें देखते हैं और बीजेपी अलग देखती है। इन सब के बीच सियासत चलती रहती है। मुख्तार अंसारी की भी सियासत चली, वो विधायक रहा, ताकत रही, फिर यूपी की गैंगस्टर सूची में आया, जेल गया और 28 मार्च की रात बांदा मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। दम टूट गया मगर आदमी से जुड़ी सियासत अब भी चल रही है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।